तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जै की खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीषा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक न पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम भी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिस्लिंज की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइड है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मजा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ कर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ़ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिसलिंगकी और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फ़िल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा, दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहां मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक न पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमजोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है, है। नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आमतौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए है जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिसलिजकी और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हैं जैसे जतिन खुराना और एंजेला लिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ है, अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइड है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मजा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलारा डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिसलिंग और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फ़िल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा, दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज़ एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा। इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिस्लिंज की और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मजा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूँ कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फ़िल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और क्रिस क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ कर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिस्लिंज की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती है कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हैं जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइड है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मजा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ कर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिसलिंग की और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइड है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फ़िल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा, दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा। इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूँ कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फ़िल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आमतौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक न पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीषा पटेल एंजेला क्रिस्लिंज की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती है कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हैं जैसे जतिन खुराना और क्रिस लिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ है, अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइड है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मजा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आमतौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ कर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिसलिंगकी और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फ़िल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तो तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा, दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर बैठ कर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तोबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा इसमें अमीषा पटेल एंजेला क्रिस्लिंज की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती है कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ है, अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में है फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइड है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मजा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियां ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तो्वा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक न पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा। इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही खुश है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार कि एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठ पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूँ कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फ़िल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिस लिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमजोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फ़िल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा। इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही खुश है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक न पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमीशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टू सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फ़िल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए है जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में है। फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फ़िल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में ज़बरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तोबा तेरा जलवा। इसमें अमीशा पटेल एंजेला क्रिस्लिंज की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइट का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आम तौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएँ होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरी तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रखा दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक न पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फ़िल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फ़िल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक़ हाँ बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में हैं फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज सूद की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है वे अपने रोल में सटीक जा बैठे हैं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको मन में कोई बेकरारी जागे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह फिल्म का मिजाज एक्सेप्शनल हायर रिजल्ट अप्रोच है मतलब आप जाएंगे हल्का मन लेकर लेकिन वापसी में कोई अफसोस लेकर नहीं आएंगे बात करें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए तो आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा तौबा तेरा जलवा फिल्म में जबरदस्ती के ट्वीट्स एंड टर्न्स तो हैं ही लेकिन एक बात तो है आप निराश होकर नहीं लौटेंगे थिएटर पर अभी भी सलार और डंकी जैसी खुमारी उतरी नहीं थी इसी बीच एक और फिल्म का आगमन हो गया फिल्म का नाम है तौबा तेरा जलवा इसमें अमीशा पटेल एंजेला की और जतिन खुराना मुख्य रोल में हैं फिल्म की स्क्रिप्ट एक रोल कोस्टर राइट है रोल कोस्टर राइड का भी अपना मज़ा है फिल्म बनाने का एक मकसद होता है बिना मकसद के फिल्म का मतलब नहीं लेकिन फिर भी वो कला की श्रेणी में ही आएगी आमतौर पर कुछ कहानियाँ होती हैं जिस पर फिल्म बनाई जाती हैं कुछ किस्से या सत्य घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्में बनाई जाती हैं या तो कुछ कहानियाँ ही बना दी जाती हैं ताकि फिल्म बनाई जा सके यहाँ मामला ऐसा ही कुछ है यहाँ एक कहानी को सफल बनाने के लिए इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न शामिल कर लिए गए हैं कि माथा चकरा जाएगा और ऐसा एंगल निकाल कर लाया गया है जो इंसान की कल्पना से भी दूर हो लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह हुआ कि कहानी इंटरेस्टिंग बन गई है तो फिल्म वन टाइम वाच तो है आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी तोबा तेरा जलवा की कहानी पूरे तरह से एक लव स्टोरी है लव स्टोरी भी सरल नहीं एकदम घुमावदार ऐसी घुमावदार की एक चक्की पर भूत भविष्य और वर्तमान को रख दो तो और घुमाते रहो तब तक घुमाते रहो कि कहानी किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए लेकिन इस फिल्म में कहानी को इतना घुमा दिया गया है कि इसके नतीजे कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया वो घुमाव ही अच्छा था और वही इस फिल्म की असली ग्रिप है ग्रिप अगर सही जगह हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम एक बार ही सही बैठकर पूरी फिल्म देख ले जाता है कहानी का ये है बता दूं कि कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए कहानी का बस इतना ही हिंट दे रहा हूँ बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है बस समस्या एक चीज़ है अगर कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती तो उसमें एक्टर भी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते इस फिल्म के पास भी ऐसा ही है लेकिन जिस फिल्म में बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर नहीं होते उन फिल्मों की एक ख़ास बात होती है उसमें शानदार अभिनय करने वाले एक्टर होते हैं इस फिल्म में भी हमेशा पटेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनसे दर्शक रिलेट करते हैं इन किरदारों का हक बनता है कि उन्हें अच्छे डायलॉग्स मिले लोगों तक खुद को पहुंचाने का एक जरिया मिले लेकिन इस फिल्म में अच्छे डायलॉग्स का अभाव है जो थोड़ा इंटरेस्ट कम करता है बात करें फिल्म में एक्टिंग की तो फिल्म में कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आप शायद कम जानते हो जैसे जतिन खुराना और एंजेला क्रिसलिंच की जैसे नए नाम लीड रोल में फिल्म का बेस ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है ये एक कट्टु सत्य है लेकिन इसके बाद भी दोनों का अभिनय अपनी जगह पर बढ़िया है वहीं राजेश शर्मा नीरज सूद और अमीषा पटेल ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है राजेश शर्मा एक साइलेंट एक्टर हैं वो अपना काम बेखूबी से कर जाते हैं और कोई क्रेडिट की मांग भी नहीं करते ऐसा वे काफ़ी सालों से करते आए हैं लेकिन इस मुख्य खुशी है कि इस फिल्म में उनकी लेंथ अच्छी खासी है नीरज